कल है भाई रॉयल एनफील्ड क्लासिक 2021 की लॉन्चिंग। हाँ भाई, नेक्स्ट मीटअप आप अपनी तरफ से करेंगे। तबाह के खर्चा कर रहे हैं भाई यूट्यूब को लेके। सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और भाई आज है ना, आज रखा हुआ है अपन ने मीटअप 6:00 इवनिंग में। बट यार बहुत नर्वस हो रहा हूँ मैं कि कैसे होगा ये मीटअप, कैसे नहीं होगा, क्योंकि मैंने आज से पहले कभी ऐसे इवेंट कभी नहीं किए हैं। बट जो होगा देखो अच्छा ही होता है, तो होप करूँगा भाई ऊपर वाला अच्छा ही करे मेरे साथ। बट अपने साथ आ रही है यार एक दिक्कत, सारे बंदे मेरे जो बोल रहे थे कि भैया भूसा लेके आना, भैया भूसा लेके आना। भाई लोगों मेरी गलती नहीं है यार, बाहर बारिश इतनी तेज़ हो रही है जिसकी कोई हद नहीं है। तो अभी तो देखो आधा घंटा है, बट मैं ट्राई करूँगा। बट देखते हैं क्या सीन बैठता है क्या नहीं बैठेगा। ट्राई तो यही है कि हम बाइक से आएँ, क्योंकि गियर्स वगैरह सब रेडी है मेरे, बस बाइक पे बैठना है, गियर्स पहनने और निकलना है। बट वेट है भाई बरसात का, बरसात ऐसे ही चलती रही तो मुझे पता है आप लोग भी नहीं आ पाओगे। बट हाँ जो भी है पहुँच जाएंगे, मेरे काफ़ी बंदे हैं, मेरे काफ़ी फॉलोवर्स में से सब्सक्राइबर, जो भी मेरी छोटी सी फैमिली है उसमें से कुछ पर्सन्स पहुंच जाएंगे। बरसात हो भी रही है, नहीं भी हो रही है, बट यार भूसा का नहीं बन पा रहा बिकॉज ऑफ बारिश। अगर बारिश बंद हो जाती है तो पक्के से भूसा ले आऊँगा, नहीं तो फिर मेरे को कार से ही आना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ आज कि ये मीटअप कैसा होगा कैसा नहीं होगा, और एक्साइटेड भी हूँ कि नए नए बंदों से मिलने को मिलेगा, जो भी मेरी छोटी सी फैमिली है उसमें से कुछ पर्सन से मिलने को मिलेगा मुझे, और जो बाहर के हैं लखनऊ से। एक मेरा बहुत अच्छा भाई है, एक उसका भी मैसेज आया, भैया कभी लखनऊ आओ यहाँ मीटअप करेंगे अच्छा से। एक मेरा फ्रेंड है कोलकाता से, शुभदीप, हाँ शुभदीप है भाई, अगर आप व्लॉग देख रहे हो तो भाई पक्के से कोलकाता आऊँगा, आपसे मिलूँगा, और लखनऊ आके भाई किंग राइडर तेर से ज़रूर मिलूँगा आलोक भाई, पक्के से। ये मतलब मेरे इतने चाहने वाले हैं भाई, और ये लिटरली मेरे भाई हैं बहुत ज़्यादा। इन्होंने जितना मुझे सपोर्ट किया है शायद ही किसी ने अभी तक किया होगा, नहीं किया आप लोगों ने भी है, मैं ये नहीं कह रहा। बट इनका ना एफर्ट्स बहुत ज़्यादा है भाई, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स हैं इन दोनों के, शुभदीप और आलोक के। तो लव यू मेरे दोनों दोनों भाइयों, लव यू अलॉट। जल्दी से आऊँगा आपके पास आपसे भी मिलने के लिए स्पेशल। आलोक से तो मेरा प्रॉमिस है कि मैं उससे स्पेशल मिलने जाऊँगा कभी। आलोक टेंशन ना ले भाई, जिस दिन मेरा लखनऊ साइड चक्कर लगेगा मैं पक्के से तेरे से मिलने आऊँगा। नर्वस फील हो रहा है बट कोई नहीं, ऊपर वाला जो भी करता है ना अच्छे के लिए करता है। चलेंगे अपन, ये डैम श्योर है मैं आऊँगा, जाऊँगा ही ऑफकोर्स। टील एंड पे अभी हो चुके हैं 5:16, यहाँ से मैं निकल जाऊँगा 5:45 के अराउंड। बस वेट इसी चीज़ का है, बारिश बंद हो जाए तो मैं अभी निकल जाऊँगा, अगर नहीं बंद होती है तो फिर मुझे कार से ही जाना पड़ेगा। बंद तो था बाइक से जाने का, बट क्या करें बरसात हो रही है तो अभी जा रहे हैं गाड़ी से। बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो रखा है क्योंकि देखो आधे से ज़्यादा आएंगे नहीं, और मैं किसी से ज़बरदस्ती नहीं है, फिर दोबारा मीटअप रख लेंगे। बट अभी भी जितना हो सकता है आ जाना, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, प्यार से जो आएगा भाई उसके लिए रेडी बैठा है। नेक्स्ट मीटअप फिर से रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो अब गाड़ी से चलते हैं, कुछ आपसे बातें गाड़ी पे करेंगे, कुछ टील एंड पे पहुंचने के बात करते हैं, और जो जो भी आएगा आपसे ज़रूर से मिलवाने वाले हैं। पहुंचने वाला हूँ आयुष के पास, आयुष को पिक करता हूँ, देन उसके बाद सीधा निकलेंगे टील एंड के लिए। अंकित आ चुका है। हाँ जी अंकित, हेलो, कैसा फील हो रहा है भाई? बहुत बढ़िया। मैं तो भाई बहुत नर्वस फील कर रहा हूँ। अरे भाई कुछ नहीं, जो होगा अच्छा होगा, देखा जाएगा। और अभी चल रहा है भाई बारिश का सीन, लुक। तो भाई अभी टील एंड पहुँचने वाले हैं, बस 2 सेकंड का रास्ता है, मुझे नहीं लगता शायद कोई आ पाएगा, और आएगा तो भाई देखो उसके लिए दिल से के लिए देखते हैं वहाँ जाके क्या सीन है क्या नहीं है। बाकी कुछ बंदों के मैसेज आए हैं, कुछ सब्सक्राइबर्स के मैसेज आए हैं कि भैया मैं आ रहा हूँ, भैया मैं आ रहा हूँ, बट बरसात इतनी ज़्यादा है कि कुछ कह नहीं सकते। आ जाओ भाई, जितने बंदे भी आ सकते हो दिल से वेट कर रहा हूँ, वेलकम टू टील एंड। सो भाई लोगों अभी पहुंच चुके हैं टील एंड। दिक्कत सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम डाली है ना वो डाली है इस बारिश ने, इतने ज़्यादा दिमाग ख़राब करके रख दिया है, बस बहुत कम लोग आ पा रहे हैं। अभी अपने बीच एक यूट्यूबर आ चुके हैं भाई, HSR ब्लॉगर, बता देता हूँ अभी आपको। धर्मेंद्र भैया का कॉल आया था, वो भी आ रहे हैं, और 2-4 मेम्बर्स हैं जो मेरे सब्सक्राइबर, मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली है, जो उसमें से कुछ लोग आ रहे हैं। बट जो मैंने सोचा था ना यार, और जो मतलब मैसेज आए हुए थे उन सब पर पानी फिर चुका है बिकॉज ऑफ यही बारिश की दिक्कत। कोई बात नहीं यार, जो होगा अच्छा होगा। बाकी HSR ब्लॉगर अपने बीच में आ चुके हैं, ऐसा फील कर
एकदम बढ़िया, मतलब बारिश की छोटी छोटी बूंदें ना बाइक पे अच्छा लग रहा है मेरे को। मैं एकदम बारिश ने थोड़ी सी डाल दिया, पर हाँ अगर जिसको जाना है ना वो कभी नहीं रुक सकता, इसकी जगह आनी आ जाती तो ना रुकते हम तो। भाई बस यही चीज़ होती है, अपनों का प्यार यही होता है। ये भाई आ चुके हैं, और भी कुछ भाई हैं जो आ रहे हैं, बट क्या करें और लोगों के साथ मजबूरी है। मैं ये नहीं कहता कि जबरदस्ती है कुछ भी है, बट कोई बात नहीं, नहीं आ पा रहे तो दैट्स ओके। बट जितने भी आए ना वो दिल से आए, और उस चीज़ के लिए मेरे को दिल से खुशी है भाई। आई एम हैप्पी कि वो मेरे लिए इतनी दूर से आए हैं, इतनी बारिश में आए हैं, मेरे लिए बहुत कुछ है ये सब, चाहे कुछ भी कह लो इनफ। और बाकी अभी और आ रहे हैं, जल्दी आपसे मिलवाते हैं, फिर एक छोटा सा पार्टी शार्टी करेंगे बैठ के, चाय वाय मारेंगे, उसके बाद अपने अपने घर चले जाएंगे। तो भाई फाइनली अपनी स्क्वाड आ चुकी है, जितने भी थे टीम मेंबर्स, अपनी यूट्यूब की फैमिली जितनी भी थी, वो यहाँ सब पहुँच चुके हैं। जितने भी आए दिल से आए भाई लोग सारे, और काफ़ी बंदे थे जो नहीं आ पाए, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट मीटअप फिर कर लेंगे दोबारा से। अभी भाई चार तो यूट्यूबर आ चुके हैं अपने बीच में, और कुछ अपने भाई लोग हैं, एक कज़न, काफ़ी तो मेरे कज़न्स हैं इसमें, और कुछ मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, अपन इसी को ही एक मीटअप कह लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे बीच है भाई HSR ब्लॉगर हैं, साथ में आयुष भैया, धर्मेंद्र भैया, सिंह धर्मेंद्र, सभी को राम राम, राम राम भाई, कपिल भैया, सचिन जी, और शिवेन, ऋतिक, संस्कार, संस्कार, चिराग, चिराग, जय, और ये तो अपना भाई स्वीट सब, थैंक यू। तो अभी भाई कुछ खाने पीने को मंगवा लिया है, चाय वाय तो फिर भी पी ली थी, और भी कुछ दो चार आइटम मंगवा लिए, बट ये जो है ना आज बारिश ने बहुत ज़्यादा नाश कर दिया भाई, दिमाग की बत्ती बुझा दी बिल्कुल। अपने बीच में एक और यूट्यूबर आ चुकी है, हाय गाइस, कीजी, एंड इसका यूट्यूब चैनल नेम है इंडियन सिस्टर। गाइस प्लीज़ फॉलो कर लेना इसको भी, सब्सक्राइब कर लेना, सपोर्ट दो, बेचारी काफ़ी टाइम से मेहनत कर रही है, ये क्या पूरी पूरी फैमिली मेहनत कर रही है भाई, डेली व्लॉग्स बना रही है, काफी फ्रेंडली व्लॉग्स हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करना, और ये तो हमें सपोर्ट कर ही रहे हैं। तो आप लोग भी भाई सपोर्ट करो जितना हो सकता है, आगे वाली वीडियोस में हम भी राइड करते हुए दिखेंगे आपको। मेरी हिमालयन से राइड करने की कह रही थी, इसका अभी तक सीन नहीं बना, नहीं चलो चलो बनाते हैं भाई, चलो जल्दी से आपको, यस सून सून जल्दी से फिर एक भाई राइड प्लान करते हैं, ज़्यादा लंबा तो नहीं जा पाएगी बेचारी, फतेहपुर तक तो चली लेगी, हाँ फतेहपुर तक तो चल पड़ती है भाई, बहुत सही राइड करती है। तो नेक्स्ट टाइम राइड पे लेके चलते हैं जल्दी से, हिमालयन इसको दे देंगे, लो जी आपके हाथ में चाबी दे दी, फुल इंश्योर्ड है, टेंशन नहीं लेनी है, कहीं जिसका मन है ठोक दी हो, अरे नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, कंटेंट निकालना ना वाले काम नहीं करने अभी, नहीं भाई बहुत सही राइड करती है, तो उसको लेके चलते हैं जल्दी से नेक्स्ट राइड पर। काफ़ी बंदे हमारे साथ जो मे बी नेक्स्ट ट्यूजडे राइड पर चलने वाले हैं अपने साथ। हाँ जी, कौन कौन रेडी है नेक्स्ट ट्यूजडे राइड के लिए? तो नेक्स्ट ट्यूजडे के एक राइड प्लान करते हैं, अगर उससे पहले हुआ तो उससे पहले ही राइड प्लान कर लेंगे। ट्यूजडे कोई फ्री होता होगा? मैं ट्यूजडे को नहीं, कोई नहीं, कर लेंगे, अर्ली मॉर्निंग में तो रख लेंगे, क्या दिक्कत है, संडे को, संडे को चलो जी, मैम का बोलने का वो है कि संडे को रखो, ठीक है जी संडे को रख देते हैं, क्योंकि शायद से मेरे को ट्यूसडे जयपुर जाना पड़ सकता है, नॉट बी श्योर बट जाना पड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, संडे को राइड पक्का कर देते हैं, इसी ब्लॉग में आपको कंफर्म कर दिया, संडे को राइड अपन करने वाले हैं। फाइनली मीटअप हो चुका है कंप्लीट, काफ़ी मज़ा आया, जितने भी आए मेरे भाई लोग दिल से आए, थैंक्स अ लॉट एवरीवन, थैंक्स अ लॉट, बहुत मज़ा आया आप लोगों से मिलके, ऐसा मीटअप हम दोबारा करते रहेंगे, शायद से 1K पे एक अच्छा सा केक काटने वाले हैं अपन यहीं पर, या फिर कहीं भी अच्छी सी लोकेशन पर देख के। काफ़ी मज़ा आया भाई मीटअप में, काफ़ी खाना पीना सब कुछ अच्छा था। अभी टाइम हो गया है इन सबको बाय बाय करने का, तो करते हैं इन सबको बाय, बाय बाय टू टी लैंड। तो भाई टी लैंड को छोड़ने का टाइम आ चुका है, और जितने भी भाई और सब मेरे को मिलने आए थे टी लैंड पे, तो उन सबको भी बाय बाय कर देते हैं भाई अच्छे से। भैया जा रहे हो आप? बिल्कुल भाई, चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं आपसे फिर, थैंक यू।
जल्दी से, और आज का जो मीटअप था वो सही था यार। होप करता हूँ आपका भी मीटअप जल्दी से हो, इनके भी भाई सब्सक्राइबर जल्दी जल्दी बढ़ जाए, मज़ा आ जाएगा फिर। आप सबकी कृपा रहेगी तो बहुत जल्दी होगा। तो चिल हो जाएंगे भाई। HSR ब्लॉग्स भैया का चैनल है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बंदे बहुत बढ़िया है और तबाह के खर्चा कर रहे हैं भाई YouTube को लेके। क्या करें यार, तो प्रोफेशन को लेके अगर इतना बंदे हैं तो प्लीज़ आपकी तरफ से भी इनको सपोर्ट बनता है। बिल्कुल, भैया ने कम से कम ना 8-9 लाख रुपए ठिकाने पे लगा दिए भाई अभी से, और अगर अच्छे बन गए तो भाई बड़ा आप लोग मदद कर दो थोड़ी सी। करो भाई करो, जल्दी से इनको हेल्प करो, सपोर्ट करो। तो अभी चलते हैं सीधे धर्मेंद्र भैया के पास, उनसे भी मुलाकात कर लेते हैं, उनको भी बाय बाय शाय बाय कर देते हैं। तो जी धर्मेंद्र भैया को भी कर देते हैं बाय बाय, सबको विदा कर देते हैं। धर्मेंद्र भैया मीटअप कैसा लगा? बहुत शानदार था, और ऐसे मीटअप हर समय मेरे ख्याल में हर 7-8 दिन में एक बार हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। दैट्स ग्रेट। तो नेक्स्ट मीटअप आपकी तरफ से? हाँ, मेरे नेक्स्ट मीटअप आप अपनी तरफ से करेंगे, और जगह कहीं नई डिसाइड करेंगे, यहाँ नहीं रहेंगे। वो तो ऑफकोर्स जब मीटअप नया होगा तो जगह भी नई होगी। ये भी काफ़ी अच्छी थी भाई जगह, और काफ़ी मज़ा आया। वो अलग बात है कि आज बरसात थी तो चौपट, यहाँ भी थोड़ा चौपट थोड़ा बहुत नहीं भी, अब बहुत चौपट हो गया। चौपट हो गया, हम काफ़ी अच्छा सोचने की उसमें आ गए थे कि हाँ, लोगों के फ़ोन भी आ रहे थे कि हम आ रहे हैं, लेकिन बट धो के रख दिया। लेकिन कोई बात नहीं, दोबारा ज़रूर करेंगे, और बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, वेल मैनेज्ड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया होगा, शानदार होगा, आप ज़रूर आना 100%। चलो जी, नेक्स्ट टाइम दोबारा मीटअप रखेंगे अच्छा सा, और नेक्स्ट टाइम होगा धर्मेंद्र भैया की साइड से। तो कोई बात नहीं जी, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, करते हैं धर्मेंद्र भैया को बाय बाय। ठीक है धर्मेंद्र भैया, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। अब करते हैं किसी को भी बाय बाय, और कल है भाई रॉयल एनफील्ड क्लासिक 2021 की लॉन्चिंग, तो जल्दी से उसकी भी आपके पास ब्लॉग आने वाला है। कल जाएंगे, शूट करेंगे अच्छे से, अच्छे अच्छे सिनेमेटिक शॉट्स भी देंगे। मैं, धर्मेंद्र भैया, तुम जाएंगे, और शायद से हो सकता है मेघा भी जाएगी। तो मेघा जी, कैसा लगा आज आपको मीटअप हमारा? बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। मज़ा आ गया, स्वाद आ गया, स्वाद आ गया। तो कल ये भी शायद से जा सकती है हमारे साथ रॉयल एनफील्ड। मिलते हैं कल आपको नए ब्लॉग के साथ, करते हैं कीजी को बाय बाय। ओके कीजी, बाय बाय, टेक केयर, एंड यूट्यूब के लिए हैप्पी जर्नी, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू भाई, सब्सक्राइब कर लेना, बहुत मेहनत कर रही है, बहुत ज़्यादा। चलो, खून पसीना बहा दिया मैंने, सब भाइयों को कर दिए बाय बाय, सब निकल चुके हैं, मैं, आयुष और अंकित रह गए हैं बस, यहाँ से अपन भी निकल रहे हैं। बिल जो है वो आज था अपने ऊपर, तो कोई बात नहीं जी, अपन बिल पे करते हैं, देन अपन भी यहाँ से निकलते हैं। काफ़ी मज़ा आया सीरियसली, कोई बात नहीं, कुछ बंदे नहीं आ पाए, उनके लिए नेक्स्ट मीटअप एक ज़रूर से रखूँगा, बट वो होगा 1K के बाद पक्का। कैसा लगा आपको ये व्लॉग? होप करता हूँ ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और जो भी मेरे चैनल पर नया है ना भाई, प्लीज़ से सब्सक्राइब करना, प्लीज़ भाई लोगों, प्लीज़ बहुत सपोर्ट की नीड है यार आप लोगों की। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए चाहूँगा आपसे इजाज़त, बाय बाय, टेक केयर।